गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो काइनेटिक्स के लेक्चर 6 में हम इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन तक डिस्कस कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सो वी विल कंसीडर अ जनरल रिएक्शन लाइक द रिएक्टेंट ए इज चेंजिंग इनटू द प्रोडक्ट्स। सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नाउ एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, जो रिएक्टेंट है उसका कंसेंट्रेशन ए है, तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे प्रोडक्ट बना नहीं है, तो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन क्या हुआ? जीरो। एट टाइम टी इज इक्वल टू टी, सपोज एक्स अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हैज़ रिएक्टेड एंड कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज एक्स मोलर पर लीटर। नाउ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट एट टाइम टी इज ए माइनस एक्स मोल पर लीटर। ठीक है, नाउ रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ओवर चेंज इन टाइम। नाउ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सपोज हम dx मान लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय dt। दिस डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a की फर्स्ट पावर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एट एनी टाइम t कितनी है? a माइनस x है। ठीक है, सो dx बाय dt किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? a माइनस x की फर्स्ट पावर के। तो कोई भी हमने इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन करना है, जैसे हम फर्दर सेकंड ऑर्डर का भी डिस्कस करेंगे, तो वो उसका मेन जो स्टार्टिंग स्टेप होगा वो यही होगा। दिस इज़ द मेन स्टार्टिंग स्टेप, आगे कुछ नहीं है, आगे सारे स्टेप्स सेम है। आपको ये स्टार्टिंग स्टेप पता होना चाहिए जहाँ से आप ये डेरिवेशन फर्दर कॉन्टिन्यू कर सको। ठीक है, सो अब ये है जो बेसिक फर्स्ट इक्वेशन है ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब a माइनस एक्स को इधर ले जाएंगे, dt को इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? dx बाय a माइनस एक्स इज इक्वल टू k dt। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन वी हैव, जब दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन वी हैव, जब इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास, तो dx बाई a माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln a माइनस x। ठीक है, अब dx के रिस्पेक्ट में माइनस x का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा, सॉरी डेरिवेटिव हो जाएगा। a माइनस x का तो इंटीग्रेशन हो गया, दैट इज़ ln a माइनस x, और माइनस एक्स का क्या हो जाएगा? डेरिवेशन। तो माइनस एक्स का डेरिवेशन क्या हो जाएगा? माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब के डी टी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? के टी प्लस आई। आई होप आप सबको पता है कि इंटीग्रेशन कैसे होता है। जैसे हम कोई जनरल मान लेते हैं, कि जैसे कोई जनरल टर्म है एक्स रेज टू पावर 0 इंटू डी एक्स, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम कैसे करेंगे? x की ये जो ऑलरेडी पावर है इसमें 1 ऐड कर देंगे, और यहाँ पे जो ये टोटल पावर बन रही है इसको हम क्या कर देंगे? नीचे लिख देंगे। नाउ दिस विल बी द इंटीग्रेशन। सो x रेज टू पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x रेज टू पावर 1। तो एक पावर इंक्रीज होके आ जाता है उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आप लोग नॉन मेडिकल के हैं तो आपको तो वैसे भी इंटीग्रेशन क्लियर होगा। तो यहाँ पे के डी टी है, नाउ के इज अ कांस्टेंट, डी टी के साथ हमारे पास क्या है? डी टी के साथ हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास टी रेज टू पावर 0 है, तो टी रेज टू पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी रेज टू पावर 1 होगा। ठीक है, सो दिस वुड बी द के टी, दिस वुड बी द इंटीग्रेशन फॉर के टी रेज टू पावर 0 प्लस आई इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ln a माइनस एक्स। ठीक है, अब जो इसमें वेरिएबल टर्म है, a तो कॉन्स्टेंट है, x वेरिएबल है, तो माइनस एक्स का क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? माइनस वन। ठीक है, तो हमारे पास एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनिशियल लिमिट्स पुट करेंगे. अप्लाई इनिशियल लिमिट्स टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई. आई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इनिशियल लिमिट्स अप्लाई करेंगे. अप्लाई इनिशियल लिमिट्स. सो एट टाइम टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एट टाइम टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जब टाइम ज़ीरो है मीन्स रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई. जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई मीन्स एट टाइम टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स क्या है, एक्स इज़ ज़ीरो. ठीक है, सो एट टाइम टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि टाइम टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई. तो जब रिएक्शन ही शुरू नहीं हुई तो प्रोडक्ट नहीं बने, प्रोडक्ट नहीं बने तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो हम यहाँ एक्स मान के चल रहे हैं ये क्या हो जाएगी, ज़ीरो. ठीक है, सो एट टाइम टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे हम ज़ीरो ऑर्डर के केस में भी हमने इनिशियल लिमिट्स अप्लाई की थी और अब हम फर्स्ट ऑर्डर के केस में भी इनिशियल लिमिट्स अप्लाई कर रहे हैं. ये हमें अप्लाई करनी ही करनी है फॉर द पर्पस टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ आई, दैट इज़ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट बोलते हैं इसको. सो एट टाइम टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो द रिएक्शन हैज़ नॉट स्टार्टेड, तो प्रोडक्ट नहीं बने तो एक्स की एक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो. एक्स ज़ीरो पुट कर दो, टी ज़ीरो पुट कर दो, यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, आई की. नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन वन. इस आई की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी. आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एल एन ए. ठीक है, के टी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एल एन ए माइनस एक्स. तो एल एन ए माइनस एल एन बी क्या हो जाएगा, एल एन ए बाय बी. एल एन ए माइनस एल एन बी क्या होता है, एल एन ए बाय बी. सो के इज इक्वल टू टी को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वन बाय टी एल एन ए बाय ए माइनस एक्स. नाउ एल एन इज इक्वल टू 2.303 लोग. ठीक है, तो हमारे पास k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लोग a बाय ए माइनस एक्स आ जाएगा एंड वी नेम इट एज इक्वेशन 3. सो दिस इज द फाइनल इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. एंड आपको ये इक्वेशन याद कर लेनी है ताकि जब आप इसका इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन ड्राइव करो तो आपको आइडिया रहे कि आपको ये इक्वेशन निकालनी है और ड्राइव करनी है. नाउ जब हम सी नोट और सी टी वाली वो टर्म्स अप्लाई करते हैं इस पर तो हमें पता है एट टाइम टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है यानी ए वो किसके इक्वल है, सी नोट के. और एट टाइम टी इज़ इक्वल टू टी जो ए माइनस एक्स है वो किसके इक्वल है, सी टी के. तो सी नोट क्या डिफाइन कर रहा है, कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट ज़ीरो टाइम. ठीक है, और a माइनस एक्स क्या डिफाइन कर रहा है, कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t एंड दैट इज इक्वल टू सी टी. तो a की जगह c नॉट रख दो, a माइनस एक्स की जगह सी टी रख दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉडिफाइड इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन दैट इज k इज इक्वल टू 2.303 बाय t log c नॉट बाय सी टी एंड वी नेम इट एज इक्वेशन 4. नाउ वी हैव टू फाइंड द यूनिट्स ऑफ k फर्स्ट और रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन था वो क्या था, k इज इक्वल टू 2.303 बाय t log c नॉट बाय सी टी. अब ये सब तो कांस्टेंट है, ठीक है, इसकी तो कोई यूनिट्स नहीं होगी, ये तो यूनिट लेस है. तो 1 बाय टाइम इंटू कॉन्सेंट्रेशन बाय कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन से कॉन्सेंट्रेशन कैंसिल हो जाएगी, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाइम इनवर्स. ठीक है, तो k फर्स्ट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स. ठीक है, सो k फर्स्ट की जो यूनिट होगी दैट इज रेट कॉन्स्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसकी यूनिट क्या होगी, सेकेंड इनवर्स. यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की कोई यूनिट नहीं है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन से कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी कैंसिल हो गई हैं. तो आपको सारे रेट को सारे ऑर्डर रिएक्शंस के जो रेट कांस्टेंट की यूनिट्स हैं उनका पता होना चाहिए. इसका एक जनरल फॉर्मूला भी होता है यूनिट्स निकालने का, वो हम आगे डिस्कस करेंगे.
नाउ फॉर एवरी ऑर्डर रिएक्शन वी हैव टू फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्डर रिएक्शन. नाउ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन इज द टाइम एट विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हैज़ कंज्यूम्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेड. तो वो टाइम जिसमें जो रिएक्टेंट है अपनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा रह गया है, ठीक है. तो यहाँ पे ए क्या होती है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. ए माइनस एक्स क्या होती है, जितना रह गया एट टाइम टी. फॉर एग्जांपल अगर हम इसको टी हाफ पे निकालना चाहें तो हाफ लाइफ क्या डिफाइन करता है, वो टाइम जिस पे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन अपनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा रह गया है. तो ए माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ए बाय टू के, ठीक है. कि वो टाइम जिस पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह गया है, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की. तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बाय टू, ठीक है ना. सो के इज इक्वल टू 2.303 बाय टी हाफ लोग ए बाय ए माइनस एक्स. एक्स की वैल्यू क्या है, ए बाय टू, ये हमने यहाँ पुट कर दी. सो ए बाय टू, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये टू ऊपर चला गया, ठीक है. यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बाय टू, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा रिएक्ट कर गया और आधा रह गया है. तो एक्स की वैल्यू ए बाय टू आएगी, ए माइनस एक्स की भी क्या आएगी, ए बाय टू. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2.303 बाय टी हाफ लोग टू, एंड लॉग टू की वैल्यू क्या आएगी, 0.3010. तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.693 बाय टी हाफ. सो टी हाफ को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास बनेगा 0.693 बाय के. सो दिस इज़ द फिफ्थ इक्वेशन. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय. Now we are going to discuss about second order. So next we are going to do integrated rate expression for second order reaction. तो second order reaction में दो तरह के cases हैं. Cases A में जब दोनों के दोनों reactants same होंगे तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टू मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए आर चेंजिंग इन टू द प्रोडक्ट्स. सो फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन सेकेंड पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए. नाउ रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन एज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम दैट डिपेंड्स अपॉन, दैट इज इक्वल टू, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी कितनी है, ए माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू के इज अ कॉन्स्टेंट, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर. अब हमें पता है कि जो सेम टर्म्स हैं उनको हमने एक साइड लिख लेना है. तो ए माइनस एक्स के स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे, डी टी को हम इधर ले जाएंगे. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन we have integration dx by a minus x ka whole square is equal to integration k dt. ab a minus x ke whole square ko hum jab upar leke jayenge to yahan pe kya aayega, minus 2 into dx is equal to k dt. ab iska integration karenge to kaise hoga, minus 2 plus 1 और ये पूरी पावर को हम नीचे एज इट इज लिख देंगे तो माइनस टू प्लस वन क्या आएगा, माइनस वन. माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस वन इज इक्वल टू के टी प्लस आई. नाउ माइनस वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, ए माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस वन इज इक्वल टू के टी प्लस आई, वेयर आई इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ए माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस वन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, वन बाय ए माइनस एक्स is equal to kt plus I, and we name it as equation 1. Now at time t is equal to 0, जब time t is equal to 0 होगा तो x क्या होगा,
ज़ीरो होगा एट टाइम टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि जब टाइम ज़ीरो है तो रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई, और जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई तो प्रोडक्ट नहीं बने, तो प्रोडक्ट नहीं बने तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो, बिकॉज एक्स डिफाइंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी। ठीक है, तो एट टाइम टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो एक्स इज़ ज़ीरो। सो अप्लाई दीज कंडीशन इन इक्वेशन वन, फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। तो यहाँ पे एक्स ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे टाइम ज़ीरो हो जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? वन बाय ए। सो आई इज़ इक्वल टू वन बाय ए। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में आई की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा? वन बाय ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस वन बाय ए। तो के टी को हम यहीं रखेंगे, वन बाय ए को इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? के टी इज इक्वल टू वन बाय ए माइनस एक्स माइनस वन बाय ए। टेकिंग एलसीएम वी हैव दिस। ठीक है, तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये आ गया, के टी की ये वैल्यू आ गई। सो के टी इज़ इक्वल टू एक्स बाय ए इंटू ए माइनस एक्स। के की क्या वैल्यू आ जाएगी? वन बाय टी इंटू एक्स बाय ए इंटू ए माइनस एक्स। सो दिस इज़ इक्वेशन टू एंड दिस इज़ द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। नाउ वी कैन चेंज द टर्म्स इन टर्म्स ऑफ सी नॉट एंड सी टी। सो वी कैन राइट एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो, ए को हम किसके इक्वल रख सकते हैं? सी ज़ीरो, विच डिफाइंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ एट टाइम टी इज इक्वल टू डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सी टी, विच डिफाइंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पे सी नॉट आ जाएगा, यहाँ पे सी टी आ जाएगा, और एक्स कब आएगा? जब हम सी नॉट माइनस सी टी करेंगे। सी नॉट माइनस सी टी करेंगे तो ए माइनस ऑफ ए माइनस एक्स, तो हमारे पास एक्स आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वेशन थ्री। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड द यूनिट्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये भी पूरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ये भी पूरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, तो के सेकेंड इज इक्वल टू किसके इक्वल हुआ? वन बाय टाइम इंटू कॉन्सेंट्रेशन बाय कॉन्सेंट्रेशन इंटू कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन से कॉन्सेंट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर। तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट रखेंगे यहाँ पे, दैट इज मोल पर लीटर, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। तो यूनिट क्या आ जाएगी? मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। सो दिस इज द यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिफाइन द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सो इसकी जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है वो इक्वेशन ये होती है। सो एट टाइम टी इज इक्वल टू टी हाफ, एक्स की वैल्यू क्या होगी? ए बाय टू, क्योंकि हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है उस कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, तो हाफ रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया और रह कितना गया है? हाफ रह गया है। सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए बाय टू, एंड ए माइनस एक्स की वैल्यू भी क्या होगी? ए बाय टू। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू ए बाय टू रखेंगे डिवाइड बाय ए इंटू ए माइनस ए बाय टू। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? वन बाय के इंटू ए बाय टू डिवाइडेड बाय ए इंटू ए बाय टू। तो हमारे पास ए बाय टू से ए बाय टू कैंसिल हो जाएगा। टी हाफ इज इक्वल टू वन बाय ए की, इम्प्लाइज दैट टी हाफ इज इक्वल टू वन बाय ए की। तो फर्स्ट ऑर्डर सॉरी सेकेंड ऑर्डर के केस में जो टी हाफ है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो इस इक्वेशन को देख के पता चल रहा है। नाउ केस बी, इन द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो हमने केस ए किया है उसमें हमने दोनों रिएक्टेंट्स को सेम लिया है, लेकिन केस बी में जब हम दोनों रिएक्टेंट्स को डिफरेंट लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन दोनों की फर्स्ट पावर पे डिपेंड करेगी। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की फर्स्ट पावर एंड बी की फर्स्ट पावर। सो
रेट ऑफ रिएक्शन इज डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स एंड बी माइनस एक्स, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट एनी टाइम टी क्या होगी, ए माइनस एक्स होगी और यहाँ पे बी माइनस एक्स होगा, ठीक है। तो एक्स वाले टर्म को हम इधर ले जाएंगे, बस ये वाला स्टेप आपको ध्यान में रखना है, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर ड्राइविंग द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर एनी ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके बाद जो स्टेप है दैट इज़, अगर हम इसको पार्शियल डिफरेंशियल फंक्शंस की फॉर्म में सेपरेट करेंगे, तो वो मैथ्स में होता है कि अगर इस फॉर्म का इक्वेशन हो तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज़ वन बाय ए माइनस बी इंटू वन बाय बी माइनस एक्स माइनस वन बाय ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये कैसे आया आपको वो डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको डायरेक्ट आप ये ध्यान में रख लेना कि इससे ये पार्शियल डिफरेंशियल फंक्शन से इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन के, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वन बाय ए माइनस बी को हम बाहर लिख देंगे और इनको इंडिविजुअली इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज़ वन बाय बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन बाय ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के डी टी। नाउ वन बाय ए माइनस बी, वन बाय बी माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वन बाय बी माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन बी माइनस एक्स। तो बी माइनस एक्स में जो वेरिएबल टर्म है वो क्या है, माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस वन, ठीक है। सिमिलरली वन बाय ए माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन ए माइनस एक्स, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस वन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, के टी प्लस आई। नाउ हियर वन बाय ए माइनस बी, नाउ एल एन ए माइनस एल एन बी इज इक्वल टू एल एन ए बाय बी, सो वी हैव एल एन ए माइनस एक्स बाय बी माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस आई एंड वी नेम इट एज इक्वेशन सिक्स्थ। नाउ एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो, जब टाइम ज़ीरो है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। वही कंडीशन जो हम स्टार्टिंग से अप्लाई करते आए हैं तो वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आई की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ वन बाय ए माइनस बी इंटू एल एन ए बाय बी। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन सिक्स, वी हैव वन बाय ए माइनस बी इंटू एल एन ए माइनस एक्स बाय बी माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस वन बाय ए माइनस बी इंटू एल एन ए बाय बी। तो के टी को हम इधर रख लेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो वन बाय ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, एल एन ए माइनस एक्स बाय बी माइनस एक्स माइनस एल एन ए बाय बी। तो हमारे पास क्या होगा, के टी की वैल्यू आएगी दैट इज़ वन बाय ए माइनस बी, तो एल एन ए माइनस एल एन बी क्या होगा, एल एन ए बाय बी। तो इसको इसके नीचे लिख देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, एल एन ए माइनस एक्स बाय बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ए बाय बी। सो के टी इज इक्वल टू वन बाय ए माइनस बी इंटू एल एन बी इंटू, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ बी इंटू ए माइनस एक्स बाय ए इंटू बी माइनस एक्स। सो दिस इज़ द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वेयर बोथ द रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट। हम अब एक स्पेशल कंडीशन अप्लाई करते हैं यहाँ पे, वो कंडीशन ये है कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज़ लेस लेस देन बी, तो ए माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ए के, क्योंकि ए की कंसंट्रेशन बी से बहुत कम है, ठीक है। तो ए माइनस एक्स इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि ए की कंसंट्रेशन ही कम है, तो कम कंसंट्रेशन में से बहुत ही कम बना होगा प्रोडक्ट्स में, तो ए माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ए के। देन
अब ए माइनस बी में हम देखेंगे तो ए के कॉन्सेंट्रेशन बी के कंपैरिजन में कम है। यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, हम यहाँ पे जो स्पेशल कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो बी से बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, ए माइनस बी ए के इक्वल हो जाएगा, और अगर ए की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो ए माइनस एक्स इसके इक्वल हो जाएगा ए के, ठीक है। तो वो सेम हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ए माइनस एक्स को ए के इक्वल रख देंगे, ठीक है, और ए माइनस बी को भी ए के इक्वल रख देंगे। तो इक्वेशन सिक्स हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज़ के टी इज़ इक्वल टू 1/a इंटू 2.303 log ba/a इंटू बी माइनस एक्स। सो दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जहाँ पे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो लेकिन एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दूसरे के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो और अल्टीमेटली रिएक्शन सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही हो, तो उस रिएक्शन को हम सूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। That is the bimolecular reaction in which one of the reactant is taken in excess are known as pseudo unimolecular reaction, and these reaction follow first order kinetics.